जी, वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज तारीख होगी है 4 जून 2024 और सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी हम हैं हिलू टवान नाम की जगह पे हैं, ये पड़ती है पांगी वैली में। यहाँ हमने रात कैंप लगाया था, मतलब शाम को जंगल में थोड़ा नदी के पास, या नदी है चंद्रभागा नदी उसके पास। वहाँ क्या हुआ, जैसे ही हम रात को खाना गाँव खाने गए, मतलब वहाँ से खाना खा के जब वापस आए तो अंधेरा हो गया पूरा। पहले तो हमें टेंट ही नहीं मिला, टेंट ढूंढते ढूंढते ऐसे ही भटकते रहे जंगल में। तो एकदम से ना एक आंखें चमकी, मतलब फ्लैश लेके जा रहे थे ना, फ़ोन की फ्लैश थी ना, हमने दोबारा जब लाइट की उसकी तरफ तो उसके दांत देखे। वो तेंदुआ था वहाँ, ऐसे दांत निकाल रहा था पूरे, मतलब गुस्से में। वहीं हमारे पैरों के नीचे से धरती निकल गई भाई एकदम से। ये कहता बाग बाग जल्दी, और पत्थरों वाला रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको अभी। फिर वैसे कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, और ऊपर से अंधेरा, ऊपर से एक फ्लैश, मेरा फ़ोन बंद, इसका फ़ोन चल रहा था सिर्फ। ये फ़ोन लेके आगे भाग रहा, मेरे को दिख ही नहीं रहा पीछे कुछ, इतना ज़्यादा भागे हम। जो रास्ता हमने 10-15 मिनट में करना होता है ना वो कैंप तक का, वो हम 2 मिनट, सही 2 मिनट में हम पुल तक पहुंच गए हैं। पुल है नदी के ऊपर, इस साइड आ गए फिर। और बहुत ही यार डरावना काम था वो, पीछे देखते आए हम, भागते आए आगे, पत्थर पत्थरों पर पता नहीं कैसे भाग रहे, इतनी तेज वैसे नहीं भागा जाना था, डर के मारे भाग रहे थे। रात को उधर गाँव को जा रहे थे फिर हम, तो ये भाई मिल गए यहाँ जिनका गेस्ट हाउस, जो चौकीदार हैं गेस्ट हाउस के। तो हमने इनसे पूछा के रहने का कुछ है, कहते हाँ है पर इसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। हमने कहा बुकिंग तो हमने की नहीं, फिर क्या करें। फिर हम वापस जाने लगे, फिर कहते चलो आ जाओ कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रह लो, रात ही काटनी है आपने। देखो रूम कितना अच्छा है, सारा देवदार की लकड़ का बना हुआ है, ये देवदार की लकड़ी का बना हुआ सारा। और जैसे ही हम एंटर हुए फ्रेगरेंस आ रही थी पूरी देवदार की, बहुत सुंदर रूम है। बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं, खुले हैं बढ़िया, और इधर भी ऐसे बना हुआ है ये। और अभी ब्रश वगैरह सब वहीं पड़ा है टेंट में, तो वहाँ जाते हैं ब्रश वगैरह उठाते हैं और बैठते हैं। थोड़ा टेंट में बैठने का मौका ही नहीं मिला लगा के, बस चले गए थे हम कल। और खाना खा के आते हैं ऊपर, चलते हैं मिलते हैं आगे फिर। ये चाय है भाई, पता नहीं क्या नाम लेते थे यार इसका, पूछता हूँ बाहर जाकर, बहुत स्वाद होती है। यही इनकी कोई जड़ी बूटी है, जैसे हमारी चाय होती है ना वैसे होती है, उसको सुखा के उसके दाने बन जाते हैं, फिर उसको उबाल के मीठा डाल देते हैं, बहुत अच्छी होती है। अभी पी थी हमने 1 घंटा पहले, अभी फिर दे दी उन्होंने। गुरुनू बोलते हैं भाई इसको, गुरुनू की चाय, बिल्कुल चाय जैसा टेस्टी होता है। ये है गेस्ट हाउस, ये हमारा रथ खड़ा है, अभी सामान यहीं रख के जा रहे हैं, जाते हुए ले जाएंगे। ये है चौकीदार साहब, इधर चंद्रभागा नदी के नज़ारे। यहाँ ना खेत होते थे पहले, तो यहाँ बाढ़ आई थी 30-35 साल पहले, तो सारे खेत बहा के ले गई, यहाँ लोगों के खेत थे। तो अभी इतनी चौड़ी हो गई है, पीछे तक बहुत जगह है, यहाँ पत्थर आ गए, अब खेती नहीं कर पा रहे, इधर जंगल है पूरा ये। और रात यहीं दिखा था हमें तेंदुआ, हम यहाँ थे, यहाँ कहीं अंदर। और ये रहा हमारा कैंप, इसको ढूंढ रहे थे हम, ये मिल ही नहीं रहा था। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा कैंप, थोड़ा सा दिख रहा है, लगाया तो बार बार ही था पर रात को समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, पूरा जंगल है देखो। चलो चलते हैं अभी, बढ़ते हैं आगे, खाना खुना खाते हैं फिर टेंट में जाते हैं, बैठेंगे थोड़ा सामान सामून उठा के फिर जैसा चलेंगे। चलो लगा दिया भाई बाइक वहीं कल वाली जगह पे, जा रहे हैं ऊपर खाना खाने। पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, मोनेस्ट्री, वाह व्यू देखो ऊपर बादल। ये सारा गांव है हिलू टवान, गूगल पे टवान लिखाता है मैप पे। ये मोनेस्ट्री है इधर, ये स्कूल है भाई, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं देखो, छोटा सा स्कूल है ये बस 5वीं तक। सामने व्यू है, ये व्यू के सामने लगा था हमने टेंट के, व्यू देखेंगे, सारा सिस्टम ही खराब हो गया तेंदुए की वजह से। चलो चलते हैं अभी गाँव में, आ गए हैं अभी कल वाली जगह पे। ये इनका किचन, हर जगह ऐसा ही होता है, बौद्धिस्ट होते हैं ना जो ऐसे ही खाते हैं नीचे बैठ के, सही तरीका है खाने का ना, कंफर्टेबली खाधा जाता नाले बंदे ने। टीवी चल रहा है यहाँ, आ गई है जी हमारी चाय। क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन जीतेगा इस बार? एक बार फिर मोदी सरकार। एनडीए आ गई है जी, रोटी देसी घी दे देना एक।
हम भूलने जाना है। मुद्दी करके देते रही है। खा लिया भाई खाना, मौसम सही हो रखा, ठंडा हो गया, बारिश आएगी मेरे को लगता है पूरी। चलते हैं, चलो टेंट में देखते हैं टेंट का हिसाब किताब थोड़ा। याद सतावे पिंड दियां गलियां दी। ये खेत भाई इनके, ये घर है ऊपर, इधर खेत, आलू और मटर बीजते हैं यहाँ। ये स्कूल है, चल रही है क्लास, छुट्टी कब होती है? हाँ नहीं, अब कितने बजे छुट्टी होती है? तीन बजे। अच्छा आप पढ़ाते हो इधर? अच्छा सरकारी टीचर हो आप फिर? अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ से आए आप? हम चंडीगढ़ से। कैसा लगा फिर? बहुत बढ़िया लगा, हम सुराल हुडान सब देख के आए हैं, पीछे वहाँ एक एक दिन रुक के आए हैं। अभी से आगे जाओ, आगे आगे तो और भी अच्छा होगा, प्लेन एरिया होगा, घूमने लायक है, हरियाली होगा। अच्छा अभी उधर जा रहे हैं हम, चशक बटोरी ना, वहाँ पे भी अच्छा है। हाँ जी, देखने लायक है। आकाश कैसे है बोला? ये थोड़ा अंदर देख लूँ मैं। मैम आकाश कैसे है बोला? ये वही इनका स्कूल। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सर नहीं हूँ मैं। कोई ना सर हूँ मैं। अच्छा ये पढ़ रहे हैं भाई बच्चे, हैं कौन सी क्लास है में? ये लोग हैं मतलब 1 से लेकर 5 तक का। अच्छा सारे इकट्ठी हैं? हाँ जी। अच्छा इतने ही बच्चे हैं बस? इतने ही हैं, बस इतने ही हैं, और कुछ जो आगे वाले जो यहाँ से आगे गाँव नहीं है वो वाले आगे होंगे। अच्छा वहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अभी है नहीं मोनेस्ट्री के पास कोई, वो कह रहे थे कि खोल देंगे अगर आपने देखनी है तो, देखते हैं अगर कोई है तो। बंद है, चलो फिर देखेंगे कभी, कोई बात नहीं, तो देख लो आपकी बाहर से। देख लो ये सारे खेत थे भाई यहाँ यहाँ तक, पूरा फ्लड आया ना, सारा पत्थर पुत्थर ले आया, बस ऐसे ही रह गए, फिर खराब हो गया काम। ये खड़ा है हमारा रथ, उठाते हैं रथ को टेंट के थोड़ा सा पास लेके जाते हैं, फिर पैदल जाएंगे टेंट में। चलो नदी का किनारा, एक अंकल हवा, भाई ये देख लो इन पत्थरों पे भागे थे रात। ओ खड़ जा, ये पड़ा यहाँ फेंका था भाई मैंने, ये कैंपर यहीं इसकी टूटी गिर गई, कहीं टैप होती है जो, जहाँ से देख लो यहीं दिखा था कहीं हमें आगे, ये सारा खाली हो गया, ऐसे पत्थरों पे भाग के गए थे अंधेरे में, देख लो। ये पड़ी है भाई टूटी हुई मेरे की, हाथ ना चक ला यार, कुछ हो गया हाथ। यहाँ से जा रहे थे भाई हम रात को, पीछे ही दिखा था भाई कहीं जगह, तो अब याद नहीं आ रही, इधर हम अंदर से आ रहे थे, इधर दिखा था कहीं, ऐसे ही भाग गए एकदम से हम, जैसे दिखा वो रहा हमारा टेंट जमा सामने सी लै, अपन ऐ लगे ना भी इन्ने अगे होना नहीं। ये रहा भाई टेंट, बंद पड़ा है। ये रही नदी, वो अज पानी साफ आया था, कल नालों है ना नीला जहा लग रहा थोड़ा थोड़ा। ये चल रही है भाई नदी, आज तो साफ पानी आ रहा है पूरा, ये देखो बहुत साफ है, कल तो ब्राउन कलर का आ रहा था। व्यू देखो सामने,
यही बात है, जगह तो बहुत सुंदर है यार, बस तेंदुए ने डरा दिया हमें। ये देखो यहाँ टेंट है हमारा, साथ ही नदी है, इधर जंगल है पीछे पूरा। तभी मैंने बाहर लगाया था कि सांस आती रहेगी थोड़ी, अंदर घुटन सी होती है जंगल में ना, फिर भी हम रह ही नहीं पाए। यहाँ मौसम ख़राब हो गया है, बारिश आएगी शायद, शायद काले बादल हो गए हैं। ओ भाई फाइनली अब हुए हैं, रात लगा के गए थे दर्शन टेंट के, कुछ भी नहीं बचाया था, अभी तो ऐसे ही पड़ा था सारा सामान भी। ये देखो बाहर व्यू, साइड ही यार कोई गल नहीं, तू साइड हो, इन्ना भी ज्यादा नहीं हुंदा भी इत्थे तक आ जाए। क्या व्यू है यार सामने देखो, जन्नत, वो पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर नदी चल रही है, नदी के पास जाते हैं। वहां रुके थे भाई सामने गेस्ट हाउस में, नदी देखो। और इधर व्यू चेक करो सामने यार, क्या ही बात है, जन्नत। मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। ये लगा दिया भाई कैमरा टाइम लैप्स पे, यहाँ पत्थर रख दिया आसपास, मैंने कहा अगर गिरा नहीं तो सीधा नदी में जाएगा, अब नहीं गिरेगा, पूरी ग्रिप बन गई। सामने ले रहा है इसका व्यू। चलो चलते हैं टेंट में, थोड़ा सोते हैं, रात तो सो नहीं पाए, अभी सो लेते हैं, वो तो सो गया। नदी का किनारा ये चंचल सितारों। निकलने लगे हैं यहाँ से, ठीक है भाई मिलते हैं दोबारा। निकल गए हैं भाई यहाँ हिलू टुबान से, चलो पहुंचते हैं अब चसक, 2:40 हो गए हैं, पहुंच जाएंगे 4 बजे तक, बस फिर लगा लेंगे वहां चसक में, लगाएंगे आज टेंट। अच्छा था यार ये भी जगह अच्छी थी, अगर आपको रिवर अच्छी लगती है, रिवर साइड, तो ये जगह बेस्ट है।